गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ एमएससी सेकंड सेमेस्टर, वेलकम ऑल ऑफ यू इन द वीडियो लेक्चर क्लास टुडे। आई विल डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज रिमेनिंग टॉपिक ऑफ रिस्पायरेशन इन आर्थ्रोपोडा, in which as you know that I was discussed that in the before earlier video, the respiration in arthropoda is two modes: first tracheal mode of respiration and second integumental respiration. तो इसके पहले tracheal respiration आपने पढ़ लिया था, उसमें कई हेडिंग्स थे जिसको हमने डिस्क्राइब किया था अच्छे तरीके से। अब इसका जो दूसरा पार्ट है इंटेग्यूमेंटल रिस्पायरेशन, इसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं, और यही टॉपिक, यही हेडिंग जब समाप्त हो जाएगा तो रिस्पायरेशन या आर्थ्रोपोडा टॉपिक भी समाप्त हो जाएगा। इसके बाद ही आर्थ्रोपोडा में दूसरा एक टॉपिक लास्ट रहेगा, उसको हम डिस्कस करेंगे। तो इस समय इंटेग्यूमेंटल रिस्पायरेशन, इंटेग्यूमेंट मीन्स आप जानते हैं कि स्किन होता है या बॉडी सरफेस होता है। अभी तक जो ट्रेकियल रिस्पायरेशन उन्होंने बताया, ट्रेकियल रिस्पायरेशन में क्या होता है कि एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जो बॉडी सरफेस से जुड़ा होता है, उसका सबसे ऊपर का पार्ट जो है स्पायरिकल होता है, और आगे जो ट्यूब अंदर इनरवेट होता है उसे ट्रेकिया या ट्रेकी या ट्रेकियोल कहते हैं। फिर वो एयर सैक से जुड़ा होता है और उसका संबंध जो है टिश्यू और सेल से होता है, यानी ऑक्सीजन स्पायरिकल से इंटर करके और जो है कि बॉडी के इंटरनल पार्ट तक जाता है। उसमें भी कई मोड ऑफ रिस्पायरेशन थे, वो हमने डिस्कस किया था। लेकिन इंटेग्यूमेंटल रिस्पायरेशन में क्या है कि कुछ ऐसे इंसेक्ट्स हैं जिसमें जो है इनके बॉडी सरफेस से जो है गैसेज एक्सचेंज होता है, क्योंकि इनके बॉडी के ऊपर क्यूटिकल का लेयर होता है और वहाँ से इसमें कुछ एक और नए तरह का मॉडिफिकेशन है जिसके थ्रू ये रिस्पायरेशन करते हैं। तो इसमें क्या कौन कौन से क्राइटेरिया है, क्या कौन कौन से ऑर्गन्स आते हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस होंगी। तो इंटेग्यूमेंटल रिस्पायरेशन में देखेंगे सम गैसियस एक्सचेंज टेक्स प्लेस थ्रू द क्यूटिकल ऑफ मोस्ट इंसेक्ट्स, क्योंकि इंसेक्ट के बॉडी के ऊपर जो क्यूटिकल का जो लेयर चढ़ा होता है, जो उसका एक्सोस्केलेटन होता है, तो कुछ ऐसे इंसेक्ट हैं जिनके जो है इसी क्यूटिकल के लेयर पे ही जो है कि गैसेस एक्सचेंज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का आपस में जो है कि एक्सचेंज यहीं पे होता है। बट दिस डज नॉट अमाउंट टू मोर देन ए फ्यू परसेंट ऑफ टोटल मूवमेंट ऑफ गैस, लेकिन इस क्यूटिकल लेयर पर जो गैसेस एक्सचेंज होता है ये बहुत अधिक नहीं होता है, थोड़ी बहुत मात्रा में गैसेस एक्सचेंज होता है। जितना भी मतलब गैसेस में एक्सचेंज का जो कंडीशन है उसकी अगर इसे तुलना की जाए तो बहुत कम या थोड़ी बहुत मात्रा में गैसेस एक्सचेंज यहाँ पे होता है, यानी कि होता है लेकिन बहुत ही कम मात्रा में। मोस्ट कोलम्बोला एंड प्रोटूरा हैव नो ट्रेकियल सिस्टम एंड डिपेंड एन इंटेग्यूमेंटल रिस्पायरेशन थ्रू द ट्रांसपोर्ट फ्रॉम बॉडी सरफेस टू द टिश्यू बाई हीमोलिम्फ। तो हमने बताया कि इंसेक्ट में एज यू नो दैट देर आर ग्रेट वराइटी इन द फाइलम ऑफ आर्थ्रोपोडा, इन विच डिफरेंट टाइप ऑफ इंसेक्ट दैट हैव डिफरेंट टाइप ऑफ मोड ऑफ रिस्पायरेशन एंड डिफरेंट टाइप ऑफ रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स बाई विच दे रिस्पायर एंड दे सर्वाइव इन दिस वर्ल्ड, इन दिस हेमिस्फियर। सो सम इंसेक्ट दैट हैव ए डिफरेंट टाइप ऑफ पिकुलियर ऑर्गन्स ऑफ रिस्पायरेशन बाई विच दे रिस्पायर एंड दे सर्वाइव इन दिस इकोसिस्टम। तो कुछ ही ऐसे इंसेक्ट हैं जिनमें अलग अलग तरह के मॉडिफिकेशन पाए जाते हैं। तो यहाँ जैसा कि हमने एग्जांपल दिया कोलम्बोला और प्रोटूरा, ये दो तरह के इंसेक्ट ऐसे हैं जिनके अंदर ट्रेकियल सिस्टम पाया ही नहीं जाता, ट्रेकियल रिस्पायरेशन नहीं पाया जाता,
और जिसके वजह से ये ट्रेकिया रिस्पायरेशन नहीं कर पाते। लेकिन रिस्पायरेशन तो करना ही पड़ता है जीवन जीवित रहने के लिए, सर्वाइव करने के लिए। तो ये जब इन ट्रेकियल सिस्टम नहीं होता है तो ये जो इंसेक्ट हैं कोलम्बोला और प्रोटूरा, ये दोनों जो हैं ये इंटेगुमेंटल रिस्पायरेशन करते हैं, और इसी के थ्रू ये जो है इनके बॉडी में गैसेस एक्सचेंज होता है और फूड मटेरियल का ट्रांसपोर्टेशन होता है। और जो है कि इसी का इनके बॉडी में पाए जाने वाला जो बॉडी फ्लूड है यानी हीमोलिम्फ है, वही हीमोलिम्फ एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक जो ट्रांसपोर्ट होता है और उसी के थ्रू ऑक्सीजन और उसी के थ्रू फूड मटेरियल का ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है। तो इस तरह से ये एग्जांपल है कोलम्बोला और प्रोटूरा, ये दोनों इंसेक्ट जो है जिसके अंदर इंटेगुमेंटल रिस्पायरेशन पाया जाता है। तो इसको ध्यान में रखना जरूरी है कि कौन कौन से एग्जांपल हैं, यानी मोस्ट कोलम्बेला एंड प्रोटूरा हैव नो ट्रेकियल सिस्टम एंड डिपेंड ऑन इंटेगुमेंटल रिस्पायरेशन, ये इंटेगुमेंटल रिस्पायरेशन पर डिपेंड करते हैं। टुगेदर विथ ट्रांसपोर्ट फ्राम बॉडी सरफेस टू द टिश्यू बाई लिम्फो हीमोलिम्फ, दिस टाइप ऑफ रिस्पायरेशन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट इन एग्स एक्वेटिक इंसेक्ट्स कपल्ड विथ एन एपनिस्टिक ट्रेकियल सिस्टम एंड इंडो पैरासिटिक इंसेक्ट्स। अब इस तरह का जो इंटेगुमेंटल रिस्पायरेशन है ये सिर्फ कोलम्बोला और प्रोटूरा में ही देखने को नहीं मिलता, बल्कि और जगह भी इस तरह के जो कि कैटेगरी पाई जाती है, इस तरह के जो है कि मोड ऑफ रिस्पायरेशन पाया जाता है। तो दिस टाइप ऑफ रिस्पायरेशन इज आल्सो इम्पॉर्टेंट इन एग्स, इस तरह के रिस्पायरेशन कहाँ पर पाया जाता है, कहाँ पर इम्पॉर्टेंट एग्स के, जितने भी इंसेक्ट एग हैं उनके अंदर जो रिस्पायरेशन होता है वो इसी तरह का यानी इंटेगुमेंटल रिस्पायरेशन होता है। इसके अलावा और कहाँ देखने को मिलता है, एक्वेटिक इंसेक्ट्स कपल्ड विथ एन एपनिस्टिक ट्रेकियल सिस्टम, और जो एक्वेटिक इंसेक्ट हैं पानी में पाए जाने इंसेक्ट है जो एपनिस्टिक है यानी जिनमें ट्रेकियल सिस्टम जो है कि बहुत नॉमिनल या नहीं के बराबर होता है, तो उनके अंदर भी इसी तरह के सिस्टम पाए जाते हैं, इसी तरह का रिस्पायरेशन देखने को मिलता है। इसके अलावा एंड इंडो पैरासिटिक इंसेक्ट, और ऐसे इंसेक्ट जो इंडो पैरासिटिक हैं जो बॉडी के एनिमल बॉडी के यानी अपने होस्ट के बॉडी के अंदर जो पैरासिटिक फार्म में होते हैं उनके अंदर भी इसी तरह का रिस्पायरेशन देखने को मिलता है, यानी अपने वो बॉडी सरफेस यानी इंटेगुमेंटल रिस्पायरेशन ये करते हैं। तो इस तरह से जो एग्जाम्पल है कोलम्बोला और प्रोटूरा, ये इंसेक्ट मेन इंसेक्ट हैं जिनमें ये देखने को मिलता ही है। उसके अलावा इंसेक्ट एक्स में एक्वेटिक इंसेक्ट के अंदर भी देखने मिलता है और इंडो पैरासिटिक इंसेक्ट के अंदर भी इसी तरह का रिस्पायरेशन देखने को मिलता है। तो ये एग्जांपल माइंड करने की बात है कि कौन कहाँ कहाँ पर इंटेगुमेंटल रिस्पायरेशन देखने को मिलता है। इंटेगुमेंटल रिस्पायरेशन विदाउट एन एसोसिएटेड एपनिस्टिक ट्रेकियल सिस्टम कैन आल्सो सफिस फॉर वेरी स्मॉल इंसेक्ट्स विथ ए लार्ज सरफेस एंड वॉल्यूम रेशियो, यानी कि इंटेगुमेंटल रिस्पायरेशन जो है एक स्पेशल टाइप का रिस्पायरेटरी मोड है, ये ऐसे जगह देखने के मिलता है जो इंसेक्ट बहुत छोटे होते हैं, वेरी स्मॉल इंसेक्ट तो इनके अंदर देखने को मिलता है। और जब बहुत छोटे इंसेक्ट होंगे तो जाहिर सी बात है कि इनके अंदर वो जो और एडवांस सिस्टम होता है रिस्पायरेशन का वो नहीं देखने को मिलता, तो उनके बॉडी को उनके बॉडी का सरफेस जो है काफ़ी छोटा होता है, उनका वॉल्यूम रेशियो भी काफ़ी कम होता है, तो इसलिए यहाँ पर ये इस तरह का इंटेगुमेंटल रिस्पायरेशन का इम्पोर्टेंस बढ़ जाता है ऐसे एनिमल्स में। और ये अपने एक अडाप्ट करने के लिए, अपने आप को सर्वाइव करने के लिए इस तरह के रिस्पायरेशन मोड ऑफ रिस्पायरेशन को शो करते हैं, यानी कुदरत ने नेचर ने इनको जो है इस तरह का रिस्पायरेटरी मोड दिया है जिसके लिए सर्वाइव करते हैं। इम्परमीएबिलिटी ऑफ मोस्ट इंसेक्ट क्यूटिकल्स ऑफ ऑक्सीजन एराइजेज फ्रॉम द क्यूटिकुलर बट नॉट फ्रॉम द वैक्स लेयर विच रेंडर्स द क्यूटिकल इम्परमीएबल टू वाटर, यानी कि इनके इंसेक्ट के बॉडी के ऊपर जो क्यूटिकल का लेयर होता है ये जो है कि
ये ऑक्सीजन के लिए जो है कि इम्परमिएबल होता है, या वाटर के लिए भी इम्परमिएबल होता है, तो और क्योंकि ये वैक्सी लेयर होता है, इनको जैसे लगता है इन पर वैक्स चढ़ा हुआ है, तो इस तरह से वाटर के लिए भी इम्परमिएबल होता है क्योंकि वैक्स लाइक एक लेयर इसके ऊपर होता है। तो ये सब को देखते हुए जिस एनिमल के अंदर इस तरह का होता है तो वहाँ पे जो है कि इंटेगुमेंटल रिस्पायरेशन का इम्पोर्टेंस बढ़ जाता है। इसीलिए कहा गया इम्परमिएबिलिटी ऑफ मोस्ट इंसेक्ट क्यूटिकल्स टू ऑक्सीजन एराइजेज फ्राम द एपिक्यूटिकल बट नॉट फ्राम द वैक्स लेयर विच रेंडर्स द क्यूटिकल इम्परमिएबल। तो क्योंकि क्यूटिकल का लेयर इसीलिए इनके बॉडी के ऊपर होता है, या इनके जिससे कि इनकी बॉडी सुरक्षित हो और वाटर और इस तरह की चीज़ें उसमें इंटर न करने पाए, लेकिन रिस्पायरेशन के लिए ऑक्सीजन गैसेज एक्सचेंज ज़रूरी है। तो जहाँ पे इस तरह के बाधा है, इस तरह का जो है कि जो है कि प्रिवेंशन है, तो वहाँ पे जो है कि इंटरग्यूमेंटल रिस्पायरेशन जो है कि बहुत इम्पॉर्टेंस हो जाता है। इम्परमिएबिलिटी टू कार्बन डाइऑक्साइड मे बी ग्रेटर एंड द लॉस ऑफ दिस गैस थ्रू द इक्विपमेंटल मेंबर्स में भी अप्रिसिएबल। अब हमने बताया कि वाटर के लिए और ऑक्सीजन के लिए तो जो है कि क्यूटिकल और ये बैग्स लाइक यानी ये जो क्यूटिकल का लेयर है ये तो इम्परमिएबल है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड के लिए और जो है कि ये जो है कि काफ़ी यहाँ से यानी गैस एक्सचेंज कार्बन डाइऑक्साइड का बड़े आसानी से होता है, यानी परमिएबल है। कार्बन डाइऑक्साइड के लिए ये लेयर क्यूटिकल के लेयर परमिएबल होता है, और इसमें जो है कि और इस तरह के जो कार्बन डाइऑक्साइड इसके बॉडी से जब जो है कि रिलीज़ होता है तो वो आसानी से इससे जो है कि रिलीज़ हो जाता है। तो इस तरह से इंटेगुमेंटल जो रिस्पायरेटरी मोड ऑफ रिस्पायरेशन है ये जो है कि ऐसे एनिमल के काफ़ी अप्रिसिएबल है और जो है कामयाब है। तो हम देखते हैं इंटेगुमेंटल रिस्पायरेशन का जो है कि जो इम्पोर्टेंस है वो छोटे इंसेक्ट के लिए होता है, या एग्स के लिए होता है, या एक्वेटिक इंसेक्ट के लिए, या ऐसे इंसेक्ट जो है जिनका क्यूटिकल जो है कि इस तरह का बना होता है जिसमें वाटर और एयर के लिए इम्परमिएबल है, तो कार्बन डाइऑक्साइड के लिए परमिएबल है, तो वहाँ पे जो है कि नॉमिनल रिस्पायरेशन के लिए गैसेस एक्सचेंज के लिए इंटेगुमेंटल रिस्पायरेशन जो है कि काम करता है और बेस्ट होता है। तो इस तरह से ये मोड ऑफ रिस्पायरेशन इंटेगुमेंटल रिस्पायरेशन को आपने देखा। और इंटेगुमेंटल रिस्पायरेशन की जहाँ बात होती है वहीं पे ब्लड गिल्स की बात होती है, क्योंकि ये गैसेस एक्सचेंज जो है जब होता है तो गैस एक्सचेंज में जो है कि जो हीमोलिम्फ होते हैं वही ऑक्सीजन को लेके जो है कि पूरे बॉडी तक उसको ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो दूसरा ऑप्शन सामने आ रहा है वो है ब्लड गिल्स। ये एक क्राइटेरिया किस तरह से इंसेक्ट में पाया जा रहा है ये आप देखेंगे। सम एक्वेटिक इंसेक्ट्स सच एज ट्राइकोप्टेरस एंड टिपुलिड लार्वी पासेज गिल्स डिवाइड ऑफ ट्रेकी बट क्रिएटिंग ब्लड। यानी कि अब देखिए एक नया जो फैशन या नया जो क्राइटेरिया है, नया मोड ऑफ रिस्पायरेशन वो क्या है, कुछ ऐसे हमने बताया शुरू में बताया कि इसको माइंड में रखेंगे कि इंसेक्ट में बहुत ही वैरायटी है, बहुत ही डाइवर्सिटी है, तरह तरह के इंसेक्ट पाए जाते हैं, इसलिए तरह तरह का मोड ऑफ रिस्पायरेशन भी पाया जाता है। लेकिन इनके रिस्पायरेटरी मोड को मेन रूप से दो भागों में बांटा गया था शुरू में ही हमने बताया कि एक ट्रेकल रिस्पायरेशन, दूसरा इंटेगुमेंटल रिस्पायरेशन। ट्रेकल रिस्पायरेशन में बहुत तरह के जो है कि मोड ऑफ रिस्पायरेशन आपने देखा, बहुत तरह के उनके ऑर्गन सिस्टम देखे, उसी तरह से इंटेगुमेंटल में भी जो है कि कई वेराइटीज़ हैं। अभी हमने जो है कि इंटेगुमेंटल रिस्पायरेशन में आपको बताया किस तरह से ये क्यूटिकल के लेयर पर किस तरह से आगे से एक्सचेंज हो रहा है, लेकिन यहीं पर कुछ ऐसे भी इंसेक्ट हैं जिनके अंदर जो है कि ब्लड गिल्स पाए जाते हैं। जैसे एग्जांपल हमने दिया ट्राइकोप्टेरस और टिपुलिड, ये दो तरह के इंसेक्ट हैं। ये दोनों इंसेक्ट एक्वेटिक इंसेक्ट है, पानी में पाए जाने वाले इंसेक्ट होते हैं ये, तो इनके अंदर ट्रेकियल सिस्टम का अभाव है। तो ट्रेकियल सिस्टम का अभाव है यानी ट्रेकियल सिस्टम नहीं पाया जाता, तो जाहिर बात की इंटेगुमेंटल रिस्पायरेशन होता होगा, लेकिन इंटेगुमेंटल रिस्पायरेशन में भी डायरेक्ट इंटेगुलर रिस्पायरेशन
नहीं होता, बल्कि उसमें एक नई तरह की वेराइटी, नई तरह के जो कि मोड ऑफ रिस्पायरेशन देखने को मिलता है, यानी कि उसमें ब्लड गिल्स पाए जाते हैं। तो वो क्या होता है, कैसे होता है, कैसे रिस्पायरेशन इससे शुरू होता है, ये यहाँ पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सम एक्वाटिक इंसेक्ट सच एज ट्राइकोप्टेरस एंड टिपुलिड लार्वी, यानी टिपुलिड ये दोनों लार्वी हैं एक्वाटिक इंसेक्ट के, इनके अंदर ये देखने को मिलता है, यानी ये इस तरह के मोड ऑफ रिस्पायरेशन शो करते हैं। कैसे करते हैं, पासेस गिल्स डिवाइड ऑफ ट्रैकी, इनमें यानी ट्रैकी नहीं होता है। जब ट्रैकी नहीं होता तो फिर क्या होता है, यानी इसके जहाँ पे गिल होता है, गिल पाया जाता है, बट कंटेनिंग ब्लड, लेकिन वो ऐसा गिल है जिसमें ब्लड पाया जाता है, यानी कि गिल्स के अंदर ब्लड पाया जाता है, इसीलिए इसको ब्लड गिल्स बोलते हैं। क्योंकि पानी में रहने वाले एनिमल जो होते हैं उनको रिस्पायरेशन करने के लिए गिल्स ही चाहिए, क्योंकि गिल्स से ही रिस्पायरेशन पानी में हो सकता है। तो माना कि इनके अंदर जब ट्रैकियल सिस्टम नहीं है, इन दोनों जो कि लार्वी के अंदर यानी ट्राइकोप्टेरस और टिपुलिट के अंदर जो इस तरह का फैसिलिटीज नहीं है, तो गिल होना चाहिए। तो यहाँ पे गिल पाए जाते हैं, लेकिन वो फिश जैसा गिल नहीं होता, लेकिन गिल होता है ट्रेकी के एब्सेंस में। तो वहाँ पे क्योंकि इसके अंदर ब्लड भी होता है, ब्लड का ट्रांसपोर्ट होता रहता है, इसीलिए इसका नाम ब्लड गिल्स कहा गया है। तो ब्लड गिल्स होता है, और लेकिन कैसे काम करता है ये चीज़ हम देखेंगे। तो दीज आर टर्म्ड एज ब्लड गिल्स, इसीलिए इसका नाम ब्लड गिल्स रखा गया, ब्लड गिल्स, दीज आर टर्म्ड एज ब्लड गिल्स। अब यहाँ पे ये स्ट्रक्चर दिखाया गया, इसको एक नज़र देखते हुए आप आगे बढ़ेंगे। ब्रांचियल चैम्बर इन क्रॉस सेक्शन, अब ब्रांचियल चैम्बर यानी गिल चैम्बर, जो भी गिल्स की बात हुई है उसका सेक्शन काटा गया है, और उसके अंदर जो है कि ये कैसे दिखाया गया है। अब देखिए ये जो है कि ऐसे इंसेक्ट जो एक्वेटिक इंसेक्ट हैं उनके अंदर ये गिल्स जैसा स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, इसे रिस्पायरेशन करते हैं। तो यहाँ देखिए ये गिल जैसा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, इसके तीन साइड में देखिए डार्सल ट्रैकी यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इसी तरह डार्सल है, लैटरल है, वेंट्रल, डार्सल लैटरल एंड वेंट्रल, इस डार्सल लैटरल और वेंट्रल ये जो है कि इसके ट्रैकी हैं, लेकिन ट्रैकी हैं वो एक्सटर्नल ओपनिंग है, लेकिन वो काम उससे नहीं होता है, उस तरह का ट्रैकी रिस्पायरेशन नहीं होता है, और इसमें इंटरगमेंटल रिस्पायरेशन नहीं होता है। और लेकिन उन वही दोनों चीज़, चाहे वो ट्रैकल रिस्पायरेशन हो चाहे इंटरगमेंटल रिस्पायरेशन, वही मॉडिफाई करके, मॉडिफिकेशन के बाद वो इस तरह का नया अरेंजमेंट बना है जिससे कि ये रिस्पायरेशन करते हैं। तो इसमें होता क्या कि देखिए ये दो डार्सल ट्रैकी या कोई ट्रैकी है, यानी डार्सल है, ये वेंट्रल है, ये लैटरल है। तो अब इससे जो है ये जुड़ा हुआ जो है एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, इससे एयर इंटर करता है, इंटर आता है यहाँ पर, एक यहाँ पर इसी तरह ये भी दो से जुड़ा, ये भी दो, एक इससे जुड़ा, इससे जुड़ा। तो ये देखिए वेंट्रल ट्रैकी है, वेंट्रल ट्रैकी दो हैं, उसी तरह ये डार्सल ट्रैकी, ये यानी ये वेंट्रल जमा लीजिए जो कि ये डार्सल ट्रैकी। अब इससे जब एयर इंटर करता है, ये देखिए गिल लाइन मिली है, ये सब जो है इधर चारों तरफ से गिल लाइन मिली, ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर गिल का, बेसल पैड है इसका, ये यानी गिल्स का जो एकदम निचला हिस्सा बेसल पैड है। ये वाल ऑफ ब्रांचियल चैम्बर, ब्रांचियल ये पूरा पूरा ब्रांचियल चैम्बर इसका ये वाल है। ल्यूमेन ऑफ ब्रांचियल चैम्बर, ब्रांचियल चैम्बर के बीच में जो जगह होती वो है। अब यहाँ से जो है कि ये एयर यहाँ से इंटर करके आता है लैमली में, और लैमली के अंदर ब्लड होता है। अब ब्लड में और ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन ब्लड का यहाँ पे गैसेस चेंज होता है, गैसेस चेंज होता है, ऑक्सीजन जो ले लिया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकल के इसी के थ्रू बाहर कर दिया जाता है। तो इस तरह से बहुत ही फाइन स्ट्रक्चर है इसमें जो है कि ब्लड गिल्स वाले इंसेक्ट में इस तरह का मोड ऑफ रिस्पायरेशन देखने को मिलता है। तो अभी ब्लड गिल्स में और जो है इसके सिर्फ ब्लड, ये तो कुछ इंसेक्ट में जो ने बताया एक्वेटिक इंसेक्ट में इस तरह का मोड ऑफ रिस्पायरेशन देखने को मिलता है, लेकिन इसके अलावा जो है कि इसी गिल्स में और भी मॉडिफिकेशन देखने को मिलते हैं। इसके पहले स्पायरिकल की बात हमने बताया था, ट्रेकियल रिस्पायरेशन में स्पायरिकल सबसे ऊपर की ओपनिंग होती है जहाँ से एयर इंटर करता है। तो यहाँ पर जो है एक नया जो ऑप्शन सामने आ रहा है रिस्पायरेशन का, वो स्पायरिकुलर गिल की बात हो जा रही है। स्पायरिकुलर
गिल एक नए तरह का अरेंजमेंट है, और कुछ इंसेक्ट में इस तरह का भी मोड ऑफ रिस्पायरेशन देखने को मिलता है और रिस्पायरेटरी ऑर्गन देखने को मिलते हैं। क्योंकि इतने तरह के डाइवर्सिटी हैं कि जिसको जो है अगर सही ढंग से नहीं जो है कि बाइंड किया गया तो ये भूल भी सकता है कि किस में कौन सा किस तरह का रिस्पायरेशन पाया जा रहा है। स्पायरकुलर गिल में देखिए, अभी तक आपने ब्लड गिल देखा, अब ब्लड क्योंकि ये इंटोग्यूमेंटल रिस्पायरेशन के वेराइटीज़ हैं, ऑर्गन्स हैं, मोड ऑफ पैटर्न ऑफ रिस्पायरेशन है, तो एक तो ब्लड गिल्स देखा, स्पायरिकल गिल्स देखिए। ब्लड गिल्स इसलिए हमने का वहाँ पर नाम दिया या टर्म इसका दिया जाता क्योंकि ये जो गिल्स लाइक स्ट्रक्चर हैं इनके जो है अंदर ब्लड सप्लाई होती है, और ब्लड सप्लाई होती है, ब्लड सप्लाई के साथ साथ जब ऑक्सीजन वहाँ पर पहुँचता है तो वहाँ पर जो है गैस एक्सचेंज होता है। तो लेकिन यहाँ पे स्पायरकुलर स्पायरिकल क्योंकि सरफेस लेयर पे होता है, तो सरफेस लेयर पर जो है कि क्या गिल्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं या गिल्स जैसा इसका मोड ऑफ रिस्पायरेशन है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। ये जो है स्पायरकुलर गिल्स इसे कहते हैं। क्या है ये स्पायरकुलर गिल, देखिए स्पायरकुलर गिल कंसिस्ट ऑफ एन एक्सटेंशन ऑफ द क्यूटिकल सराउंडिंग ए स्पायरिकल एंड बियरिंग ए प्लास्ट्रोन कनेक्टेड टू द स्पायरिकल बाई एरोपाइल्स। अब ये जो है स्पायरकुलर गिल जो की जो बात हो रही है क्या है ये आप जानते हैं, इसके पहले स्पायरिकल आपने सुना है पढ़ा है और ये भी देखा है कि इंसेक्ट बॉडी के ऊपर क्यूटिकल का लेयर होता है, तो क्यूटिकल का जो लेयर होता है क्यूटिकल के चारों तरफ जो है कि वहीं पे कहीं कहीं स्पायरिकल भी पाए जाते हैं जिसमें एयर एंटर करता है रेस्पायरेशन के लिए। तो स्पायरिकल क्या है, वो एक्सटर्नल ओपनिंग है और वहीं उसी के आसपास जो है स्पायरिकल गिल्स पाए जाते हैं। वो स्पायरिकल गिल्स क्या हैं, वो एक तरह से एक्सटेंशन है, स्पायरिकल के ही एक्सटेंशन है, और वहाँ पर प्लास्ट्रोन कनेक्टेड होते हैं। प्लास्ट्रोन के पहले बताया कि प्लास्ट्रोन का मतलब होता है कि क्यूटिकल के ऊपर यानी बॉडी सरफेस के ऊपर हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं और उसके अंदर बीच बीच में जो जगह होती है उसमें एयर आके भर जाती है। तो ये क्या कह रहा है कि ए स्पायरकुलर गिल कंसिस्ट ऑफ एन एक्सटेंशन, ये स्पायरिकल जो गिल है ये क्या है, ये एक्सटेंशन है, किस चीज़ का एक्सटेंशन यानी उभरा हुआ भाग क्यूटिकल का, और ये क्यूटिकल कहाँ होता है, वो जो स्पायरिकल के चारों तरफ जो फैला हुआ होता है, और इस पे होता क्या एंड बियरिंग ए प्लास्ट्रोन कनेक्टेड टू द स्पायरिकल बाई एरोपाइल्स, यानी कि वो इसी प्लास्ट्रोन यानी हेयर लाइक स्ट्रक्चर जो अभी इसके बारे हमने डिस्कस किया था उसी के आसपास जो ओपनिंग है स्पायरिकल के उसके चारों एयर एरोपाइल्स पाए जाते हैं। एरोपाइल्स यानी जिसमें एयर स्टोर हो जाते हैं आकर के, और उसी से जो है ये रिस्पायरेशन करते, एक नया तरीका है। ये क्या होता है आगे और देखेंगे कि इन वाटर द प्लास्ट्रोन प्रोवाइड्स ए लार्ज गैस वाटर इंटरफियर फॉर डिफ्यूजन फाइल इन एयर द इन द इंटरस्टिक्स ऑफ द गिल provides a direct route for the entry of oxygen and water loss is limited because the gills opens into the atrium of spiracle। यानी कि इसमें जो है जब water में, क्योंकि ऐसे insect water में भी respiration करते हैं और air में भी जब आते हैं तो वहाँ भी respiration करते हैं, तो दोनों जगह जो respiration की facility इनको मिलती है। तो ये स्पायरिकल जो गिल्स है वो कैसे काम कर रहा है, ये देखिए, इन वाटर द प्लास्ट्रोन प्रोवाइड्स अ लार्ज गैस वाटर इंटरफियर फॉर डिफ्यूजन, क्योंकि जो प्लास्ट्रोन होता है वो बॉडी की सरफेस लेयर पर जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिसके अंदर जो है गैस काफ़ी मात्रा में गैस इकट्ठी होती है, और गैस ही नहीं बल्कि वहाँ पर वाटर भी इकट्ठी होती है क्योंकि स्पेस होता है उसमें, अगर वाटर में है इंसेक्ट तो वाटर इकट्ठा हो जाता है और वाटर में घुला मिला ऑक्सीजन होता है, और यही वाटर या गैस है यही जो है कि डिफ्यूजन में इंटरफियर करते हैं क्योंकि इसी से डिफ्यूजन होता है। अगर एयर की मात्रा ज़्यादा है तो वो डिफ्यूज हो जाती है बॉडी के अंदर, और वाटर में अगर एयर है तो वाटर के माध्यम से डिफ्यूज हो जाती है। यानी प्लास्ट्रोन का मतलब ये है
कि वो डिफ्यूज़न को जो है कि वो डिफ्यूज़न में इंटरफियर करता है और वो एयर को किसी तरह से इसे चेंज करके इंटर करता है। जबकि अगर ये वाटर से हट करके एयर की बात करें तो प्लास्टून एयर रीजन में क्या करता है, व्हाइल इन एयर द इंटरस्टिक्स ऑफ द गिल प्रोवाइड ए डायरेक्ट रूट फॉर द एंट्री ऑफ ऑक्सीजन एंड वाटर लॉस। यानी कि जब ये एयर में होता है यही प्लास्ट्रून यानी जिसमें हेयर लाइक स्ट्रक्चर लगे होते हैं ये क्या करता है कि वो काम करता है इंटरस्टिक्स यानी कि वो जो है कि एक दूसरे के बीच में बाधा का रूप यानी टाइट रहता है और उसके अंदर एयर यानी एक सीधा रूट बनाता है। एयर होगा तो वो भी उससे बाहर नहीं जा सकता, सीधा इंटर कर जाएगा, और वाटर होगा तो वो भी सीधे इंटर कर जाएगा। इस तरह से डायरेक्ट रूट पैदा करता है और जिससे कि ऑक्सीजन या वाटर ऑक्सीजन और वाटर वो इंटर कर जाए बॉडी के अंदर और जिससे वाटर की और ऑक्सीजन की कमी ना पड़े और फिर इनका लॉस ना हो। तो लॉस एंड ऑक्सीजन वाटर लॉस इज लिमिटेड और यानी बहुत कम मात्रा में इनका लॉस होता है वाटर का और ऑक्सीजन का। बिकॉज द गिल्स ओपन इनटू द एट्रियम ऑफ स्पाइरकल, क्योंकि ये जो गिल्स है वो कहाँ पे ओपन होता है यानी स्पाइरकल गिल्स कहाँ पे ओपन होता है, स्पाइरकल के स्पेस के अंदर, क्योंकि स्पाइरकल एकदम ओपनिंग है उसके अंदर जो है कि थोड़ी सी जगह है एट्रियम जिसको बोलते हैं उसी एट्रियम के बीच में ये ओपन होता है। दस इन एयर वाटर लॉस थ्रू द स्पाइरकल इज स्कार्सली ग्रेटर देन इंटरस्टियल इंसेक्ट्स। तो इस तरह से हम देख सकते हैं दस इन एयर वाटर लॉस इन एयर वाटर लॉस थ्रू द स्पाइरकल इज स्कार्सली ग्रेटर देन इंटरस्टियल इंसेक्ट। इस तरह से टेरिस्ट्रियल इंसेक्ट की अपेक्षा वाटर में रहने वाले इंसेक्ट के अंदर एयर और वाटर की जो है का लॉस जो है ज़्यादा होता है, इसलिए वहाँ पे स्पाइरकल गिल की फैसिलिटी दी गई है जिसके उनके अंदर एयर और वाटर का लॉस कम से कम हो और उनकी बॉडी सुरक्षित हो और ये जो है कि अपने आप को सर्वाइव कर सकें। तो अभी आगे स्ट्रक्चर में भी हम आपको ये दिखा के इसका डिस्कशन करेंगे। स्पाइरकुलर गिल्स आकर इन द प्यूपल स्टेजेस ऑफ मेनी फ्लाइज, यानी स्पाइरकुलर जो गिल होता है इस तरह का अरेंजमेंट कहाँ पे देखने मिलता है, ऐसे इंसेक्ट फ्लाई में देखने मिलता है जिन जो प्यूपल स्टेज में हो, जब प्यूपा बनता है प्यूपल स्टेज में देखने को मिलता है। एंड बीटल लिविंग इंटरटाइडली और एट द एज ऑफ स्ट्रीम्स, यानी एक ऐसे जगह पे या बीटल में या फ्लाई में देखने को मिलता है जहाँ पे इनको जो काफ़ी मुश्किल का सामना, यानी कि जहाँ पे काफ़ी मात्रा में जो कि ये वाटर जो है वाष्पित होता है वहाँ पे देखने को मिलता है, यानी कि वहाँ के प्यूपल में यानी टेम्परेचर अधिक जहाँ पे होता है। दे आल्सो आकर इन लार्वी ऑफ ए फ्यू कोलेप्टेरा एंड इन कैनसी डिप्टेरा, यानी ये जो है फैसिलिटी कहाँ और देखने को मिलती है, कुछ कोलेप्टेरा में देखने मिलता है, कैनस यानी डिप्टेरा में। इन दोनों एग्जांपल के अंदर भी देखने के इनके लार्वल स्टेज में इस तरह का रिस्पायरेशन देखने को मिलता है। व्हेन दे आकर इन प्यूपी, जब ये प्यूपी में होते हैं द बेसल स्ट्रक्चर ऑफ द गिल इज मॉडिफाइड टू परमिट रिस्पायरेशन बाय द फेरेट एडल्ट, यानी कि जब ये प्यूपी के स्टेज में होते हैं तो वहाँ पर जो इनका गिल का बेसल स्ट्रक्चर जो होता है उसे मॉडिफिकेशन देखने मिलता है और ये जो है कि रिस्पायरेशन के लिए परमिशन देते हैं और ये फेरेट एडल्ट में देखने को मिलता है। तो इस तरह से यहाँ पर जो स्ट्रक्चर आप देखेंगे सामने ये टेफ्रोफिला स्पाइरकुलर गिल फेरेट एडल्ट,
गिल पायरेट एडल्ट में देखने, ये जो है कि स्पायरकुलर गिल्स का पूरा स्ट्रक्चर दिखा गया है। तो ये देखिए ट्रैकी है, सबसे आउटर बाहर का जो है जो ओपनिंग है, ये जो है इसका एडल्ट टिश्यूज है ऊपर का। इसके जब इंटर करते हैं ये ट्रेकिया है, ये एडल्ट स्पायरकल्स, यहाँ से यहाँ तक का जो एरिया है ये स्पेस बिटवीन प्यूपल एडल्ट क्यूटिकल, और जो है कि ये जो बॉर्डर है एडल्ट क्यूटिकल का बॉर्डर है, ये प्यूपल क्यूटिकल है, और इन दोनों के स्पेस में ये देखा, और इसका जो बेसल एरिया है, बेसल जो है कि एक्लूडिंग है बेसमेंट। इसके बाद जब इंटर करते हैं तो प्लास्टून लाइंस हैं जो हेयर की तरह से स्ट्रक्चर्स में लगे होते हैं, इन पर एयर आगे भर जाती है। ये एरोपाइल्स हैं बीच बीच में जिसमें एयर भरी होती है। ये एट्रियम, इनके जो स्पेस है ये एट्रियम है, और उसके बाद ये गिल ब्रांची है, अलग अलग जितने भी गिल ब्रांची है, और कैविटी ऑफ गिल कंटेनिंग ब्लड, इसके अंदर ब्लड भी मौजूद होता है, ब्लड यहाँ पे आता है, ऑक्सीजन इधर से जाता है, गैस एक्सचेंज होता है, और फिर इसके बाद ये जो है ये डिफ्यूज़ होकर के दूसरे जो है उसमें चले जाते हैं। तो इस तरह से हमने देखा इस पार्टिकुलर गिल्स में इनका जो है जो मॉडल है या मोड ऑफ रिस्पायरेशन है, ये भी काफ़ी पिक्लियर है। इस तरह से इसके जो है कि डिस्क्रिप्शन में जब हम चलते हैं तो हमें कई तरह के अजूबे या कई तरह के जो है कि मॉडिफिकेशन देखने को मिलते हैं, यानी कि ये इंटरग्रामेंटल रिस्पायरेशन में भी जो है कि दो तरह की वैरायटीज आपको देखने को मिली, एक तो ब्लड गिल्स और दूसरा स्पायरकुलर गिल्स, दो तरह के। ये माना कि ये जो है कि एक्चुअल गिल नहीं होते जस्ट लाइक गिल ऑफिसर, लेकिन जो है कि ये गिल्स की तरह से ये जो है बिहेव करते हैं या स्ट्रक्चर उसी तरह का होता है। तो स्पायरकुलर गिल्स को हम डिस्क्राइब जिस हिसाब से स्ट्रक्चर को हमने बताया इस हिसाब से हमें माइंड करना होगा। ए स्पायरकुलर गिल्स कंसिस्ट ऑफ एन एक्सटेंशन ऑफ द क्यूटिकल सराउंडिंग ए स्पायरकल एंड बियरिंग ए प्लास्टून कनेक्टेड टू द स्पायरकल बाय एरोपाइल्स। इन वाटर द प्लास्टून प्रोवाइड्स ए लार्ज गैस और वाटर इंटरफियर फॉर डिफ्यूजन, व्हाइल इन एयर द इंटरस्टिक्स ऑफ द गिल प्रोवाइड्स ए डायरेक्ट रूट्स फॉर द एंट्री ऑफ ऑक्सीजन एंड वाटर लॉस इज लिमिटेड बिकॉज द गिल ओपन्स इनटू द एट्रियम ऑफ स्पायरकल। दस इन एयर वाटर लॉस थ्रू द स्पायरकल इज स्कार्सली ग्रेटर देन इन टेरेस्ट्रियल इंसेक्ट। तो क्योंकि टेरेस्ट्रियल जो इंसेक्ट होते हैं उनके अंदर वाटर का और एयर का लॉस काफ़ी होता है, क्योंकि इन्वायरमेंट में ये होते हैं तो एरियल टेरेस्ट्रियल रीजन में, तो वहाँ पे काफ़ी जो है कि ये टेम्परेचर या प्रेशर या ह्यूमिडिटी इस तरह देखने को मिलता है, लेकिन वाटर में जो है रहने वाले जो इंसेक्ट हैं वहाँ पे प्रचुर मात्रा में एयर और वाटर मिल जाता है, और वाटर के अंदर जो घुले मिले ऑक्सीजन मिल जाते हैं, तो वहाँ पे जो है कि अगर ये इस तरह का अरेंजमेंट ना हो तो वहाँ पे जो है कि टेरेस्ट्रियल रीजन से ज़्यादा वाटर और एयर का लॉस हो सकता है। इसीलिए कुदरत ने इस तरह का स्ट्रक्चर इसमें जो दिया, हमने बताया ये फिगर कि यहाँ से एयर इंटर करता है और यहाँ तक इसका जो स्पेस है और प्लास्टून लाइन्स बना होता है, क्योंकि प्लास्टून इससे पहले भी आपने देखा था, और यहाँ पे गिल्स जैसा स्ट्रक्चर भी है और साथ साथ प्लास्टून भी देखने को मिलता है, स्पायरकल भी देखने को मिल रहा है, यानी ये जो स्ट्रक्चर ये जो फिगर हमने आपको दिखाया इसमें ट्रेकियल सिस्टम और प्लस इंटोगमेंटल सिस्टम दोनों का जो है कि मॉडिफिकेशन है, क्योंकि वहाँ पर ट्रेकियल सिस्टम का मतलब होता है कि यहाँ से एक ओपनिंग होती है यानी स्पायरकल, यही ओपनिंग को स्पायरकल बोलते हैं, और ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को ट्रेकी और अंदर जाके ये ट्रेक्यूल और ट्रेक्यूल जो है कि एयर सैक में बदल जाते हैं। तो ये तो ट्रेकियल सिस्टम में था, लेकिन स्पायरकल जब इंटोगमेंटल सिस्टम में देखा, इंटोगमेंटल सिस्टम मतलब है कि इसके बॉडी स्किन या बॉडी लेयर से जो है कि रिस्पायरेशन का होना। तो छोटे इंसेक्ट के अंदर या वाटर बॉडी में पाए जाने वाले या इस तरह के प्यूपल कंडीशन में रहने वाले इंसेक्ट के अंदर ये देखने को मिलता है,
तो वहाँ पे क्योंकि वाटर लॉस अधिक ना हो या एयर लॉस अधिक ना हो, उसके लिए यहाँ पे ट्रेकियल प्लस इंटीग्यूमेंटल दोनों जो है रिस्पायरेशन को जो है यहाँ पे मॉडिफाई किया गया है। इसमें थोड़े थोड़े ये मॉडिफिकेशन में हर तरह के जो है कि सिस्टम देखने को मिल रहा है। यहाँ स्पायरकिल की भी आप देखिए बात हो रही है, यहाँ स्पायरकिल भी दिख गया है, यहाँ दिया एडल्ट स्पायरकिल, स्पायरकिल भी यहाँ ट्रेकिया भी देखने को मिल रहा है, और उसके साथ साथ प्लास्टो लाइन्स भी देखने को मिल रहा है। उसके साथ साथ यहाँ पे गिल ब्रांची की भी बात हो रही है, यहाँ पे जो है कि ब्लड कंटेन कैविटी आप गिल कंटेनिंग ब्लड यानी ब्लड सप्लाई भी यहाँ देखने को मिल रहा है, यानी कि इस स्ट्रक्चर में जो है कि टैफरोफिला में जो है कि ट्रेकियल मोड ऑफ रिस्पायरेशन और इंटीग्यूमेंटल मोड ऑफ रिस्पायरेशन दोनों का एडवांस जो है कि मॉडिफिकेशन देखने को यहाँ पे आपको मिल रहा है, क्योंकि ये एडवांस कंडीशन है, ये लास्ट जो रिस्पायरेशन का मोड ऑफ रिस्पायरेशन है। तो इसमें सारे मॉडिफिकेशंस हैं और थोड़े थोड़े हर तरह के मॉडिफिकेशन को मिला करके बनाया गया। मकसद सिर्फ इतना ही है कि यहाँ पे वाटर लॉस ना हो, एयर का लॉस ना हो, इनके बॉडी की ह्यूमिडिटी बनी रहे, बॉडी वेटनेस बना रहे और ये सही ढंग से जो है कि सर्वाइव करते चले जाएं। इसलिए स्पायरकुलर गिल्स हम कह सकते हैं एक तरह से एडवांस जो है कि ऑर्गन ऑफ रिस्पायरेशन कहा जा सकता है। स्पायरकुलर गिल्स आकर इन द प्यूपल स्टेज ऑफ मेनी फाइल्स एंड बीटल्स लिविंग इंटरटाइडियल टाइडली और एट द एज ऑफ स्ट्रीम्स दे आल्सो आकर इन लार्वी ऑफ ए प्यू कोलिप्टेरा एंड इन कैनेस डिप्टेरा वेन दे आकर इन प्यूपी एंड बेसल स्ट्रक्चर ऑफ द गिल इज मॉडिफाइड टू परमिट रिस्पायरेशन बाय द फेरेट एडल्ट। तो फेरेट एडल्ट में जो है कि इस तरह के जो है कि मॉडिफिकेशन देखने के मिलते हैं। लास्ट में इसी जो है कि ये स्पायरकुलर गिल्स के बारे में हम और कुछ और जानकारी को लेकर के आगे बढ़ा रहे हैं। स्पायरकुलर गिल्स ऑफ मोस्ट डिप्टेरान प्यूपी आर और प्रोथोरेसिक एंड कॉन्टैक्ट विथ द प्रोथोरेसिक स्पायरकिल एज ए टैफरोफिला, यानी कि स्पायरकुलर गिल्स ऑफ मोस्ट डिप्टेरान प्यूपी आर प्रोथोरेसिक, यानी कि ये स्पायरकुलर जो गिल्स का यहाँ लोकेशन बताया जा रहा है कि स्पायरकुलर जो गिल है ये डिप्टेरान प्यूपी में कहाँ पाए जा रहे हैं, प्रोथोरेसिक रीजन में पाए जा रहे हैं। एंड कॉन्टैक्ट विथ द प्रोथोरेसिक स्पायरकिल्स एज ए टैफरोफिला, और टैफरोफिला में ये जो है कि प्रोथोरेसिक रीजन में पाए जाने स्पायरकिल से इनका जो है कि कॉन्टैक्ट बना रहता है। इन दिस इंसेक्ट यानी ऊपर के जो हमने डिप्टेरान और टैफरोफिला की बात किया, तो ये दोनों जो इंसेक्ट है, इन दिस इंसेक्ट देयर इज़ ए सिंगल गिल ऑन ईच साइड विद 8 ब्रांचेज, यानी कि इन दोनों इंसेक्ट के अंदर जो है दोनों तरफ एक एक गिल होता है, दोनों तरफ प्रोथोरेसिक रीजन में दोनों साइड में एक एक गिल होता है, लेकिन इस गिल्स के जो है 8 ब्रांचेज होते हैं, 8 भागों में बटे होते हैं। जैसे इस फिगर में आप देखिए यहाँ पर दिखा गया 1 2 3 4 5 6 है, इसी तरह यहाँ पर 6 दिखाया गया, लेकिन सब मिला जुला के 8 जो है कि इसके ब्रांचेज होते हैं, 8 ब्रांचेज होते हैं, दोनों साइड में एक एक गिल होता है और हर प्रत्येक गिल के 8 ब्रांचेज होते हैं। तो ये चीज़ है, इन दिस इंसेक्ट देयर इज ए सिंगल गिल ऑन ईच साइड विथ 8 ब्रांचेज इन द प्यूपी ऑफ सेफेराइड वोलेटाइलिस द गिल्स आर एसोसिएटेड विद एब्डोमिनल स्पायरकिल्स एंड एब्डोमिनल सेगमेंट 2-7।
यानी कि एक दूसरे एग्जांपल की बात किया जा रहा है, सेफेराइड वोलेटाइलिस, इसमें जो है द गिल्स आर एसोसिएटेड विद एब्डोमिनल स्पार्किल्स, यहाँ पे जो गिल्स हैं एब्डोमिन में पाए जाने वाले स्पार्किल से जो है कि जुड़े होते हैं, और क्योंकि जो एब्डोमिन है यानी एब्डोमिनल जो रीजन वो 2 से लेकर 7 सेगमेंट में बटा होता है, तो 2 से लेकर 7 सातवें सेगमेंट के बीच में एब्डोमिनल रीजन होता है, इसी के पास पाए जाने वाले स्पाइरकिल यानी जिसको एब्डोमिनल स्पाइरकिल कहते हैं, इसी से यहाँ पर गिल जुड़ा होता है। इसके पहले वाले एग्जाम्पल उन्होंने बताया कि वो प्रोथोरेसिक रीजन से जुड़ा होता है। एब्डोमिनल स्पाइरकुलर गिल्स आल्सो आकर इन लार्वी ऑफ टोरिडिनकोला फेरियस एंड हाइड्रोकैफा, यानी ये 3 जो एग्जाम्पल है इनके लार्वी में ये एब्डोमिनल स्पाइरकिल पाया जाता है, स्पाइरकुलर गिल पाया जाता है। तो स्पाइरकुलर गिल कैन रेजिस्ट हाई प्रेशर, द स्पाइरकुलर गिल्स कैन रेजिस्ट हाई प्रेशर, यानी कि जो स्पाइरकुलर गिल्स की जो सबसे बड़ा एडवांटेज है, ये जो फ़ायदे हैं, ये हाई प्रेशर को जो है कि कंट्रोल करता रोकता है, यानी इंसेक्ट के बॉडी के ऊपर हाई प्रेशर है किसी तरह का एयर का या वाटर का, तो उसके प्रेशर की वो जो है कि हल्का करता रोकता है। इस तरह से हमने देखा कि जो है कि आर्थ्रोपोडा के अंदर जो रिस्पायरेशन होता है, फर्स्ट जो टाइप ऑफ ट्रेकियल रिस्पायरेशन, दूसरा इंटेगुमेंटल रिस्पायरेशन, और इंटेगुमेंटल रिस्पायरेशन में आपने ये 2 तरह के अरेंजमेंट देखे, पहला जो ब्लड गिल्स देखा, ब्लड गिल्स का अरेंजमेंट, दूसरा स्पाइरकुलर गिल्स का अरेंजमेंट आपने देखा, स्पाइरकुलर गिल्स रिस्पायरेशन ये। तो इस तरह से 2 तरह का जो है कि अरेंजमेंट इसमें जो है कि देखने का आपको मिला है। अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम इसी आर्थ्रोपोडा के जो है यूनिट में जो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो डिस्कस के लिए हम जो है कि आगे आएंगे, वो है जनरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑनिकोफोरा। नेक्स्ट वीडियो अगर आप तक पहुँचेगा तो फिर जो है कि ये टॉपिक हम लेकर के आएंगे। फिलहाल ये रिस्पायरेशन इन आर्थ्रोपोडा ये जो कंप्लीट होगा, ये कई वीडियो लेक्चर बनाने पड़े तब जाके कंप्लीट हुआ, क्योंकि काफ़ी लंबा था, और ये इसके बाद जो आएगा वो जनरल ऑर्गेनाइजेशन इन ऑनिकोफोरा, क्योंकि कई सब फाइलम होते हैं आर्थ्रोपोडा में, उसमें एक ऑनिकोफोरा एक जो है कि वो है सब फाइलम है, उसी सब फाइलम का जो जनरल ऑर्गेनाइजेशन होता है वो हम लेकर के नेक्स्ट वीडियो में आ जाएंगे। तब तक के लिए हमको याद दीजिए, ओके।